मूवी की स्टार्टिंग में हम एक परसेंट अंकित सेठी से मिलते हैं, जिसका पूरा फेस किसी ने बुरी तरह से पीटकर सुजा दिया होता है, और एक पुलिस ऑफिसर परवीर शेख उससे पूछताछ कर रहा होता है। अब अंकित के साथ ये सब किसने और क्यों किया था, ये जानने के लिए हमें 8 घंटे पहले अलबरकत का सीन दिखाया जाता है, जहां एयरपोर्ट पर अलग अलग जगहों से कुछ बंदे आते हैं जिन्हें बाकी पैसेंजर्स के साथ दिल्ली की फ्लाइट बोर्ड करनी थी, और उसी फ्लाइट पर एक खूबसूरत एयर होस्टेस नेहा ग्रोवर भी थी, जो प्लेन में आने वाले पैसेंजर्स का स्माइल के साथ गेट पर वेलकम कर रही थी। पर वो जैसे ही छोटे से बेबी को देखती है तो वो सैड हो जाती है, और इसकी वजह जानने के लिए हमें फिर से एक और फ्लैशबैक में जाना होगा, जो कि 8 महीने पहले का इसी फ्लाइट का दिखाया जाता है, जब ये फ्लाइट अलबरकत से दिल्ली जा रही थी, जिसमें फर्स्ट टाइम नेहा की मुलाकात एक लड़के अंकित से हुई थी उसका फूड रिप्लेस करने के बारे में, और तब गलत फूड ऑर्डर की वजह से नेहा ने अपना बेच फूड अंकित को दे दिया था, और इसीलिए फ्लाइट से जाने से पहले नेहा का शुक्रिया अदा करने के लिए अंकित ने उससे कप कॉफी के लिए पूछा था, पर नेहा का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने उस टाइम उससे मना कर दिया था। पर शाम को जब नेहा अपनी फ्रेंड के साथ पब में पार्टी कर रही थी, तब उसे फिर से अंकित वहां पर दिखाई दिया, और अंकित ने नेहा के पास आकर उससे कहा कि लगता है कि कायनात उन्हें बार बार मिलाने की कोशिश कर रही है, और फिर से नेहा ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और वहां से चली गई। पर इतना आसान कहां था अंकित जैसे आशिकों से पीछा छुड़ा पाना। रास्ते में नेहा की कार खराब हो गई और तब उसे अंकित ने ही लिफ्ट दी। उसके बाद उन दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई, और अपनी बातों से अंकित ने आखिरकार उसे कॉफी के लिए बुला ही लिया, और फिर वो कॉफी से डिनर और पार्टीज में भी साथ जाने लगे, और अक्सर उनकी मुलाकातों की काउंटिंग बढ़ती चली गई। अंकित की इमोशनल बातों ने नेहा को टच किया, क्योंकि अंकित का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वो अपनी लाइफ में उसे शामिल करना चाहता था, और अगले ही पल मुलाकातें बेड तक पहुंच गई, जिसके बारे में आप लोग बहुत देर से सोच रहे थे। उसके बाद उन लोगों के बीच क्या हुआ ये तो आप समझ ही चुके होंगे। तो इस तरह से कुछ ही स्टेप्स में वो लोग एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। क्या आपको लगता है भाइयों कितनी जल्दी किसी भी लड़की को पटाया जा सकता है? अब सीन कट होकर प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहां पर फ्लाइट में ओल्ड मैन हॉट वाटर लेकर वॉशरूम में जाता है, और नेहा अपने पैसेंजर्स को फूड सर्व कर रही होती है। वहां पर नेहा की नजर अंकित पर जाती है, क्योंकि उस टाइम वो भी उस फ्लाइट में ही था, और उसे देखकर फिर से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नेहा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, और ये बात सुनकर अंकित खुशी से नेहा से कहता है कि अब हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, और तुरंत वो अपनी रिंग निकालकर नेहा से शादी करने के लिए बोलने लगता है। पहले तो सडनली ये सब सुनकर नेहा थोड़ा शॉक हो जाती है, पर बाद में वो इसके लिए एग्री हो जाती है, और कुछ दिन बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं कि तभी दो बंदे रेस्टोरेंट के बाहर अंकित से मिलने आते हैं, और नेहा मिरर से झांक कर देखती है तो वो लोग अंकित को धमका रहे होते हैं। यह सब देखकर अंकित से नेहा इस बारे में पूछती है, तो वो घबराते हुए नेहा को बताता है कि 2 साल पहले उसने डायमंड इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट की थी, जहां पर उसकी एक एम्प्लॉई ने उन लोगों के 20 करोड़ के डायमंड मिसप्लेस कर दिए थे, और अब वो लोग उन 20 करोड़ रुपयों को अंकित से देने के लिए बोल रहे हैं, पर अंकित के पास इतने सारे पैसे नहीं उन्हें देने के लिए। और ये सब सुनकर नेहा बहुत गुस्सा होती है और अपनी एक स्टोरी अंकित को बताती है कि वो अपने फादर के साथ अंडरवर्ल्ड का पैसा हैंडल करती थी, उस टाइम अकाउंट में उनसे कुछ गड़बड़ी हो गई थी और उन लोगों ने नेहा के फादर को उसके सामने ही मार दिया था, और उसके बाद उसने अपने कजिन सुधांशु का साथ छोड़ दिया था और एयर होस्टेस की जॉब करने लगी थी, और अब वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा भी उसकी तरह इस तरह की प्रॉब्लम में पैदा हो। अब प्रेजेंट सीन में अंकित के पास एक मैसेज आता है, जिसमें डायमंड केस को ओपन करने का एक कोड भगत ने भेजा होता है। अब इस डायमंड केस का क्या चक्कर था, इसके लिए कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ओमान नाम का एक डीलर अंकित के साथ होम मिनिस्टर के पास आता है और उन्हें एक मोबाइल कवर के पीछे डायमंड लगा हुआ केस दिखाता है, जिन्हें होम मिनिस्टर इलीगली तरीके से खरीद रहे थे, पर उन्हें इंडिया पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्होंने ओमान और अंकित को दी थी। वो काफी कॉस्टली डायमंड थे और भगत होम मिनिस्टर का ही पीए था। उनका प्लान था कि डायमंड्स को एक डायमंड केस में बंद कर दिया जाएगा, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, और उस केस को एक कोरियर मैन लेकर फ्लाइट में लेकर जाएगा, जिसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाएगी, और उस प्रोटेक्टेड केस का आधा पासवर्ड होम मिनिस्टर के पीए के पास और आधा अंकित के पास रहेगा। साथ ही जिस फोन कवर पर वो डायमंड लगे थे उसमें एक सिम कार्ड पड़ा हुआ था, जो हर टाइम ट्रैक होता रहेगा।
अब अंकित को उस केस को दिल्ली पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर भगत को देना था। उसके बाद अंकित भगत के पास आता है जहां पर वो उससे डील करता है कि वो लोग बीच में उन डायमंड्स को चुरा लेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसे 50-50 बांट लेंगे। वो टोटल 120 करोड़ रुपए के डायमंड थे और इसीलिए भगत उसकी बातों में आ जाता है। अब अंकित को भगत इसीलिए चाहिए था क्योंकि आधा पासवर्ड उसी के जो पास था जिसे ही प्रेजेंट सीन में भगत ने अंकित को मैसेज करके भेजा था। और फ्लैट में इस चोरी में अंकित ने नेहा को भी अपने साथ मिला लिया था। और नेहा से जब अंकित को पता चला कि उसका जो कोरियर मैन आने वाला था वो फ्लैट में था ही नहीं, तो वो एकदम से घबरा कर ओमान को कॉल कर देता है और उससे उसे पता चलता है कि उसने कोरियर मैन को बदल दिया है। और इसलिए अंकित नेहा से अकेले में जाकर कहता है कि उसे पता लगाना होगा कि कोरियर मैन इस फ्लैट में कौन है। और उसके लिए वो उसे एक हिंट देता है कि जो पर्सन उससे कुछ भी खाने पीने के लिए मना कर देगा वो ही कोरियर मैन होगा। और इस तरह से वो पता लगा लेती है कि एक पर्सन है जिसने कुछ भी लेने से मना कर दिया है और वो ही पर्सन कोरियर मैन था। अब उसका बैग चेक करने के लिए अंकित नेहा से उसे 2 मिनट के लिए बाथरूम में भेजने के लिए कहता है और इसीलिए नेहा जानबूझकर उसके ऊपर फूड गिरा देती है और उसे बाथरूम में जाकर क्लीन करने को कहती है। जिसके बाद वो गुस्से में बाथरूम की तरफ जा रहा होता है और तभी 3 बंदे अपने फेस पर मास्क लगाकर बाथरूम से बाहर निकलते हैं और सबको गन पॉइंट पर लेकर कहने लगते हैं कि प्लान हाईजैक हो चुका है, इसलिए कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं करेगा। और ये बात जब पायलट को पता चलती है तो वो हाईजैक की इंफॉर्मेशन अपने ऑफिस तक पहुंचा देता है। और उसके बाद टेररिस्ट वहां के फ्लैट मार्शल को पकड़ कर उसके हाथ बांध देते हैं और उसके पास से उसकी गन छीन लेते हैं। और तभी एक मोटा बंदा उनमें से एक टेररिस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, पर वो टेररिस्ट उस मोटे बंदे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसे ले जाकर साइड में फेंक देते हैं। वहां पर वो टेररिस्ट आजाद कश्मीर की मांग करते हैं और सारे पैसेंजर्स के मोबाइल छीन कर एक पॉली बैग में डाल देते हैं। उसके बाद वो लोग उन सबको बिजनेस क्लास से नॉर्मल क्लास में ट्रांसफर कर देते हैं और उन सबके बैग उसी बिजनेस क्लास में ही रह जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में टेररिस्ट नेहा को कॉकपिट के पास लेकर आता है और पायलट तक सूचना पहुंचाता है कि वो लोग अपनी गवर्नमेंट से आदिल मीर को रिलीज करने के लिए बोले और वो लोग उस फ्लाइट को दिल्ली नहीं ले जाकर कुल्लू ले जाने के लिए बोल देते हैं। अब कुल्लू ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं था इसलिए रॉ चीफ अपने बेस्ट ऑफिसर शेख को कुल्लू पहुंचकर आदिल को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं ताकि वो वहां पर जाकर इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। और उसी टाइम पर होम मिनिस्टर भगत को कुल्लू सिचुएशन के बारे में अपडेट देने के लिए भेजते हैं ताकि वो वहां पर जाकर डायमंड्स के बारे में उन्हें रिपोर्ट कर सके। उसके बाद फ्लैट में एक बच्चा अचानक से रोने लगता है और जब नेहा उसके लिए कुछ खाने को लेने जा रही होती है तो एक टेररिस्ट उसे रोक देता है और उससे चुपचाप अपनी जगह पर बैठने को कहता है। तब उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है जहाँ पर फ्लैशबैक में वो अपने बच्चे के आने को लेकर बहुत खुश होती है और अंकित के साथ उसके लिए शॉपिंग करने जाती है जहाँ पर वो ही 2 बंदे फिर से अंकित को धमकाने के लिए आते हैं। और जब अंकित उनके बॉस से इस तरह उसको परेशान करने के लिए मना करता है तो उनका बॉस उसे धमकाने लगता है कि अगर उसने उसके पैसे नहीं दिए तो वो उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। और इसलिए अंकित नेहा को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है पर तभी वो दोनों बंदे आकर अंकित को मारने लगते हैं। और जब नेहा उसे बचाने के लिए आगे जाती है तो वो लोग नेहा के पेट पर लात मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं जिसकी वजह से नेहा का मिसकैरेज हो जाता है और वो अपने बच्चे को खो देती है। वो हॉस्पिटल में अंकित के साथ इस बात का दुखी मना रही होती है कि तभी उन बंदों के बॉस का फोन उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि अगर उसने अभी भी उसके पैसे नहीं दिए तो वो उसे भी मार देगा। और जब अंकित कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है तो वो अंकित को डायमंड चोरी करने के लिए कहता है और इसीलिए नेहा अंकित का साथ देने के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि वो उसे नहीं खोना चाहती थी, वो उससे बहुत प्यार करती थी और यही रीजन था जिसकी वजह से नेहा अंकित के साथ इस चोरी में शामिल हुई थी। अब प्रेजेंट सीन में अंकित अस्थमा अटैक का बहाना करने लगता है और टेररिस्ट से अपने बैग से इनहेलर पंप लाने को कहता है जिसके बहाने वो बिजनेस क्लास में आकर डायमंड ढूंढने लगता है और उसे वहां पर एक बैग में डायमंड केस मिल जाता है जिसे वो ओपन कर देता है। पर तभी वहां पर एक टेररिस्ट आ जाता है और उसे देखकर अंकित जल्दी से उस डायमंड केस को उसी बैग में छुपा देता है, पर वो टेररिस्ट उस पर शक करता है और इसीलिए वो उसे जोर से पंच करता है जिसकी वजह से अंकित की नोज से ब्लड निकलने लगता है। और बड़ी मिन्नतों के बाद नेहा उसका फर्स्ट एड करने के लिए उसके पास आती है जहां पर अंकित उससे कहता है कि उन्हें किसी भी हालत में अपना काम पूरा करना ही पड़ेगा।
उधर से एक आदिल मेरे को जेल से निकालकर कुल्लू ले जाने लगता है, पर उसे एक बात समझ नहीं आ रही होती है कि आदिल मेरे को अंटैश ने क्यों मांगा, जबकि आदिल तो खुद टेररिस्ट के अगेंस्ट बात करता था। दूसरी तरफ अंकित मुंह धोने के बहाने नेहा को लेकर बाथरूम में जाता है, जहाँ पर वो नेहा से उन डायमंड्स को निकाल कर लाने को कहता है, क्योंकि वो एयर होस्टेस थी तो वो वहाँ पर जा सकती थी, पर नेहा उन टेस्ट की वजह से डर रही थी। पर अंकित उसे अपनी जान को बचाने के लिए ऐसा करने के लिए फोर्स करता है। उसके बाद शेक उन टेरिस्ट से कॉकपिट के फोन से बात करता है और उन्हें बताता है कि वो आदिल मीर को लेकर कुल्लू पहुंच चुके हैं, पर वो पैसेंजर्स को कोई भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। इसी बीच चुपके से अंकित बिजनेस क्लास में आता है और वहाँ पर डायमंड केस को ओपन करके उसमें पड़ी हुई सिम को निकाल देता है ताकि उसे कोई ट्रैक नहीं कर पाए। तभी वहाँ पर एक टेररिस्ट आ जाता है और वो अंकित के बैग में उस डायमंड केस को देख लेता है और इसीलिए अंकित और उसके बीच फाइट होने लगती है, जिसमें लैंड होते ही गलती से बंदूक चल जाती है और उसमें उस टेररिस्ट की मौत हो जाती है। अब गोली की आवाज सुनकर बाकी टेररिस्ट भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और अंकित को मारने लगते हैं। वो लोग अंकित को बुरी तरह से इंजर्ड करके बाथरूम में बंद कर देते हैं और इसी का फायदा उठाकर फ्लैग मार्शल वहाँ पर आ जाता है और उस मरे हुए टेररिस्ट की गन लेकर उन दोनों टेररिस्ट को शूट कर देता है और सबको बताता है कि उसने टेररिस्ट को मार दिया है, अब वो लोग सेफ हैं। यह सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग बहुत खुश होते हैं, पर तभी वो बाथरूम में देखता है कि अंकित की बॉडी पर उन टेररिस्ट ने एक बॉम्ब बांध रखा है और बॉम्ब की बात सुनकर सारे पैसेंजर्स पैनिक करने लगते हैं और तब तक प्लेन लैंड हो चुका होता है, इसीलिए जल्दी से सारे पैसेंजर्स को वहाँ से बाहर निकाला जाता है और एक बॉम्ब स्क्वाड की टीम अंकित के पास आती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो एक फेक बॉम्ब था। उधर होम मिनिस्टर मीडिया में आकर बयान दे देते हैं कि उन्होंने सारे पैसेंजर्स को सेफली रेस्क्यू कर लिया है और उधर अंकित को भी बाहर निकाल लिया जाता है, जिसे लेकर नेहा एयरपोर्ट के अंदर आने लगती है कि तभी भगत का उसके पास फोन आता है और वो उसे वो डायमंड केस देने के लिए उसके पास चला जाता है। साथ ही शेक अपनी एक पुलिस टीम को प्लेन के अंदर मरे हुए टेररिस्ट की बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए भेजते हैं, पर वो लोग सारे प्लेन को चेक करने के बाद शेक को बताते हैं कि वहाँ पर किसी भी टेररिस्ट की बॉडी ही नहीं है और ये सुनकर शेक शॉक हो जाते हैं और इसीलिए जल्दी से शेक एयरपोर्ट के अंदर आकर सारे एग्जिट गेट बंद करा देते हैं और वहाँ पर फ्लैग मार्शल को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उसी ने उन सारे टेररिस्ट को मारा था। और तब हमें पता चलता है कि फ्लैग मार्शल तो कोई और ही था जो कि स्टार्टिंग से ही बेहोश पड़ा हुआ था। वो बताता है कि उसने फ्लैट में फ्रूट जूस मांगा था और उसे पीने के बाद से वो बेहोश हो गया था। उसके बाद प्लान में क्या हुआ था उसे कुछ भी नहीं पता था, यानी कोई और ही था जिसने उन लोगों को मारा था, दरअसल वो टेररिस्ट मारे ही नहीं गए। और तभी शेक को पता चलता है कि थोड़ी देर पहले एक ऑफिसर यहाँ से बाहर गया था और ये वही फेक फ्लैट मार्शल था जिसने उन टेररिस्ट को मारने का नाटक किया था। दरअसल प्लान हाईजैक हुआ ही नहीं था, ये सब उस चोरी को करने का एक जरिया था बस। और इसके बारे में पता करने के लिए शेक वहाँ पर मौजूद सारे लोग से पूछताछ करने लगता है, क्योंकि उनमें से ही कोई वो तीन टेररिस्ट थे जो फ्लैट में मौजूद थे। उधर भगत को पता चलता है कि अंकित जो डायमंड केस उसके पास लेकर आया था वो फेक डायमंड था, यानी रियल डायमंड किसी और ने ही चुरा लिए थे। भगत उसे किसी भी हालत में रियल डायमंड लेकर आने को कहता है और ये बात अंकित बाथरूम में नेहा को आकर बताता है कि किसी ने रियल डायमंड को चुरा लिया है। वहाँ पर जब नेहा उसे समझाने की कोशिश करती है तो अंकित गुस्से में उसे मारने लगता है और उससे कहता है कि ये सब उसने उसके लिए नहीं किया, ये सब तो उसने उन डायमंड्स को पाने के लिए किया था, यानी अंकित नेहा से कोई प्यार ही नहीं करता था, वो तो सिर्फ उसने इन डायमंड्स को पाने के लिए नेहा का सिर्फ यूज किया था, उसे अपने प्यार में फंसाया था ताकि वो उस फ्लैट में उन डायमंड्स को पाने के लिए उसकी हेल्प कर सके। पर यहाँ पर गेम कुछ और ही था। दरअसल उस दिन जब उन दो बंदों ने नेहा के पेट पर लात मारी थी उस टाइम पर वो अपने कजिन सुधांशु से बात कर रही थी और तब उसके फोन में उस इंसिडेंट की वॉइस रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें नेहा को लास्ट में एक वॉइस सुनाई दी थी जिसमें अंकित उन बंदों से बोल रहा था तो उसने उसे लड़की को मारने के लिए नहीं कहा था। यह वॉइस सुनकर नेहा को अंकित पर कुछ शक हुआ था और उसने उसका पीछा किया। तब उसे पता चला कि अंकित ने ही वो दो बंदों को हायर किया था खुद को धमकाने के लिए ताकि वो नेहा के थ्रू डायमंड्स तक पहुंच सके। साथ ही अंकित किसी और लड़की से प्यार करता था जिसके साथ नेहा ने उसे रोमांस करते हुए भी देख लिया था और ये सब जानने के बाद नेहा बहुत ज्यादा टूट गई थी और इसलिए नेहा ने अंकित से अब बदला लेने के लिए सोच लिया था और अपना एक प्लान बनाने के लिए अपने कजिन सुधांशु से संपर्क किया। उसने अपने कजिन सुधांशु से उन्हें 120 करोड़ रुपए के डायमंड को चुराने के लिए कहा
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फेक फ्लैट मार्शल उसका कजिन सुधांशु ही था। दरअसल लिया ने सुधांशु और उसके लोगों के साथ मिलकर प्लान हाईजैक का प्लान बनाया और अंकित के डायमंड्स को चुरा कर उसे फंसाने का पूरा प्लान सेटअप किया। वो तीन टेररिस्ट सुधांशु के ही लोग थे। सबसे पहले उस ओल्ड मैन ने फेक गन बनाकर उन तीन टेररिस्ट को बाथरूम में दे दिए थे और उसके बाद नेहा ने रियल फ्लैट मार्शल को फ्रूट जूस देकर बेहोश कर दिया था। उधर शेख सबसे पूछताछ कर रहा होता है और उन सबकी बातें सुनकर शेख समझ जाता है कि ये जरूर नेहा का ही प्लान था और वो नेहा को बुलाने के लिए कहता है। पर नेहा उसी टाइम होम मिनिस्टर को एक फोटो भेजती है जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके डायमंड वाली बात किसी और को नहीं पता है। और इसीलिए जब शेख नेहा से पूछताछ कर रहा होता है तभी उसके पास होम मिनिस्टर की कॉल आ जाती है और वो सारे पैसेंजर्स को वहां से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो पहले ही टेररिस्ट को मारने का बयान दे चुके थे और अब ऊपर से प्रेशर आने की वजह से शेख को सबको छोड़ना पड़ता है। पर शेख ये समझ चुका था कि पूरा प्लान नेहा और सुधांशु ने मिलकर बनाया था। सारे पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाता है और अंकित को भगत पकड़ कर ले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे नेहा ने फ्रूट जूस देकर रियल फ्लैट मार्शल को बेहोश किया था और सुधांशु खुद उसकी गन लेकर फ्लैट मार्शल बन गया। उसने उस गन में फेक बुलेट्स डाल दी थी और जब टेररिस्ट अंकित को मार रहे थे तब उसी गन से उन टेररिस्ट को उसने मार दिया था। अंकित के फेक बॉम्ब उन्होंने इसीलिए लगाया था ताकि उन्हें कुछ टाइम ज्यादा मिल जाए अपने गेटअप को चेंज करने के लिए। वो टेररिस्ट उसी टाइम पैसेंजर्स के कपड़े पहनकर पैसेंजर्स के साथ ही वहां से निकल गए थे। उनका इस चोरी के साथ दूसरा मकसद सिर्फ अंकित को तकलीफ देना था ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। उधर भगत और अंकित को होम मिनिस्टर बुरी तरह से तोड़वा रहे होते हैं क्योंकि नेहा ने उन्हें जो पिक्चर भेजी थी वो वही मैसेज था जिसमें भगत ने आधा कोड पहले ही अंकित को मैसेज कर दिया था। ये फोटो उसने अंकित के फोन से ले लिया था और इन सब के बाद अंकित समझ गया था कि उसने नेहा को नहीं, नेहा ने उसे डबल क्रॉस किया है। अब नेक्स्ट सीन में नेहा अंकित से मिलने हॉस्पिटल में आती है और उसे याद दिलाती है कि उसने ये सब उसके द्वारा किए गए धोखे के लिए किया था। और उसके बाद लास्ट सीन में हॉस्पिटल से निकलने के बाद अंकित नेहा को फोन करके मिलने के लिए कहता है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है।